हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? क्या आप परेशान हो गए हो? सर बहुत हो गया हमको, जो है ना ये एग्ज़ाम कैसे भी चली जाए, बस चली जाए, हमको पास हो फेल हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस सर ये एग्ज़ाम एक बार ख़त्म हो जाए ना तो हम लोग शांत हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा मत सोचिए, यही वक्त है मेहनत करने का और अपने आप को प्रूव करने का। ये वक्त पे जिसको ऐसे विचार आते हैं और जो लोग जो है वो ऐसी बातें करते हैं, उनके चांसेस, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप फेल हो जाओगे, बट उनके चांसेस पास होने के वो है कम होते जाते हैं। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जो बच्चों ने ना पूरे साल अच्छी मेहनत की होती है, शानदार मेहनत की होती है, लेकिन लास्ट के 30-35 डेज में अगर वो पढ़ नहीं पाते हैं, अगर उनको ऐसे विचार आते हैं कि सर मेरा अभी रिवीजन नहीं हो रहा है, मैं गिव अप कर रहा हूँ, या मेरे को भी पढ़ने का मन नहीं होता, बुक देखने का मन नहीं होता, तो बच्चों जो है उन्होंने भले साल भर मेहनत की होती है, वो बहुत होशियारी से पढ़ाई की होती है, सब टेस्ट सीरीज में एकदम अच्छे मार्क्स आए होते हैं, लेकिन लास्ट के 1 महीने मेहनत करने नहीं करने से उनको जो है वो अटेम्प्ट्स लग जाते हैं। तो आपको जो है ये एक लास्ट के 1 मंथ है, आप चाहो तो एक दिन का शांति से ब्रेक ले लो, आपको जो अच्छा लगता है वो करो, लेकिन ये लास्ट के 30 डेज को बच्चों ये आप लाइफ भर रिग्रेट करोगे। सच्ची मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बोल रहा हूँ, आप लाइफ भर इस चीज़ को रिग्रेट करोगे कि काश उस 30 डेज में अच्छे से पढ़ाई कर ली होती ना तो आज समय कुछ और होता, ये आप 4 साल बाद 5 साल बाद बोलोगे कि सिर्फ वो 30 डेज का सवाल था, मैं 30 डेज अपने आप को मैनेज नहीं कर पाया, 30 डेज अपने आप को कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाया। ये ज़िंदगी भर ये बात जो है आपको रुलाती रहेगी। आप सीए तो बनोगे, लेकिन 1-1.5 साल 2 साल बाद बनोगे ना तो वो बहुत पिंच होगा आपको लाइफ में, जब आपके दोस्त जो है वो आपसे आगे चले जाएंगे और आपकी दुनिया जो है, क्योंकि सी नो वन इज स्टॉपिंग, दुनिया जो है चल रही है, अपनी रफ्तार पे चल रही है और ज़्यादा रफ्तार पे चल रही है। यू कैन सी द वर्ल्ड क्या पेस में दुनिया आगे बढ़ रही है, और अगर इस सिचुएशन में हमने अपने आप को हैंडल नहीं किया, हमने अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख के काम नहीं किया, तो देर वुड बी सम डिफिकल्टीज इन अवर लाइफ। ठीक है, तो आज जो है विदाउट वेस्टिंग द टाइम, मैं आज जो है आपको बताने वाला हूँ कि अपन जो है कैसे कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। उसका मैं सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि बच्चों का रिवीजन होता क्यों नहीं है। तो सबसे पहले ना, रिवीजन क्यों नहीं होगा? सर मेरा रिवीजन कब नहीं होगा? सब क्यों मैं बताता हूँ आपको क्यों नहीं होगा, पता है? क्योंकि सबसे पहले तो आपके पास विजन ही नहीं है। सर ऐसा क्या बोल रहे हो? सच्ची बोल रहा हूँ। विजन मतलब क्या? मतलब कोई भी चीज़ का रिवीजन मतलब क्या होता है? विजन को फिर से देखना। अरे रिवीजन है ना, दो चीज़ होती है बेटा, रिवीजन। अरे हाँ, तो आपके पास विजन तो होना चाहिए। सर विजन मतलब हमारे पास विजन नहीं क्या? हम तो ऐसे ही सीए कर रहे हैं क्या? क्या कुछ भी बोल रहे हो सर? अरे वैसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि विजन मतलब आपके आपके लिए विजन क्या होगा, मतलब रिविजन के परस्पेक्टिव से आपका कॉन्सेप्ट, आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हो, थियरी को रिवाइज करते हो, लेकिन अगर अपना कॉन्सेप्ट पहले से ही वीक है, अगर अपना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं है तो रिवीजन कैसे करोगे? तो काफी टाइम क्या होता है, लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट, कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा रीजन बच्चों में रिवीजन ना हो पाने का रीजन ये है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती, क्लास में ढंग से पढ़ाई नहीं की होती है। बराबर है, तो उस केस में क्या कर सकते हो आप? आपको जो है ना ये इस चीज के लिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, हमारे रिवीजन लेक्चर्स है, मैं जो है ना रेगुलरली रिवीजन लेक्चर्स ले रहा हूँ इसी चैनल पर, इसी चैनल पर मैं रिवीजन लेक्चर्स लेता हूँ, जहाँ पर मैं ना आपको रोज़ एक एक कॉन्सेप्ट जो है, एक एक चैप्टर जो है वो रिवाइज करवा रहा हूँ। वो चैप्टर में हम जो है इन डिटेल तो नहीं, बट येस मोर और लेस काफ़ी डिटेलिंग में हम लोग जाते हैं, और इनफ डिटेल्स, येस इनफ डिटेल्स आई कैन से, तो उसमें मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट वगैरह रिवाइज करवाता हूँ। तो आप चाहो तो इसको अटेंड कर सकते हो, और बाकी जितना आप आपके टीचर से जिससे मेंटरशिप लिया है या फिर मुझसे पूछ सकते हो, आप जो है इसको कॉन्सेप्ट, जितना आपका कहीं कहीं पे प्रॉब्लम है, देखो अभी पूरा ही कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, आपको कुछ भी नहीं समझाए तो फिर उसका तो बच्चों कुछ हो नहीं सकता, समझे बच्चों? कुछ हो नहीं सकता मतलब क्या सर? अभी आपको जो है फिर जितना टॉपिक्स रिवाइज हो रहा है, जितना रिवीजन लेक्चर्स के बेसिस पे कर सकते हो उतना कीजिए, बट इस सिचुएशन में आप हार मत जाइए, जितना हो रहा है उतना कीजिए तो सही, आप स्टार्ट तो करो, स्टार्ट तो करो, ठीक है। दूसरा, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई हमारे, हमको सब समझ में आ गया है, लेकिन हमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है सर, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है सर। कॉन्फिडेंस कैसे आता है पता है? क्वेश्चन सॉल्व करने से आता है, क्वेश्चन सॉल्व करने से आता है। जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे ना,
तब क्या नहीं आएगा आपको? कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सर मुझे दुनिया आती है, मुझे पूरा डीटी की दुनिया आती है, मुझे पूरा कॉन्सेप्ट्स पता है, मुझे सब पता है, लेकिन उसको जब मैं क्वेश्चन में लिख नहीं पाऊंगा, एग्जाम में लिख नहीं पाऊंगा, तो उस चीज़ का कोई वैल्यू भी नहीं है, उस चीज़ के कोई मार्क्स भी नहीं मिलते। एग्जामिनर नहीं देखेगा कि तेरे को कौन सा सेक्शन याद है, एग्जामिनर ये देखेगा कि जो क्वेश्चन पूछा है उसका तूने सही सेक्शन कोड किया है कि नहीं, सही आंसर लिखा है कि नहीं, और तेरा सही फाइनल अमाउंट आया कि नहीं, टोटल इनकम या टैक्स अमाउंट जो है फाइनल आया है कि नहीं। वो जब तक नहीं होगा तब तक कोई मार्क्स मिलने नहीं वाले हैं। तो आपको जो है कॉन्फिडेंस इश्यूज के लिए क्या करना होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। मैं नहीं कहता कि आप 150-200 क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन पर चैप्टर आपको मिनिमम 5 to 7, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, मिनिमम 5 to 7 क्वेश्चन तो आपको पर चैप्टर करने ही चाहिए। और मैंने आपको बताया है, जो मेरे रिविजन लेक्चर्स जो बच्चे देखते हैं उनको पता है कि अपन जो है ना, मैंने बताया हुआ है कि पर चैप्टर आपको एग्जाम के एक दिन पहले एटलीस्ट 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन मार्क करने हैं जिसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होते हैं। वो मैं आपको मॉड्यूल से भी मार्क करवा दूंगा कि ये क्वेश्चन आप कर लोगे तो भी आपका इनफ हो जाएगा, ठीक है क्या? ओके, इतने चीज़ें कर लोगे तो भी बहुत है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा रीज़न तो मैंने क्या बोला, एक तो लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो प्रॉब्लम होने वाली है। दूसरा, कॉन्सेप्ट पता है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो सर कॉन्फिडेंस कैसे ला सकते हो? क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, अपने आप आएगा। थर्ड थिंग, कंपैरिजन, भाइयों ये तो मत करना, प्लीज़ मत करना भाइयों और बहनों, ये बिल्कुल भी मत करना। आप जो है, आपका दोस्त बोल रहा है कि अरे मेरा तो पूरा डीटी हो गया, मेरा तो पूरा आईडीटी आएगा, उसको बोल ठीक है ना बेटा हो गया ना, तो अभी तेरे को कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो अभी एक काम कर, एक महीना आराम कर, मैं पढ़ना चालू करता हूँ, बराबर है, मैं पढ़ना चालू करता हूँ, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, एग्जाम नहीं, एग्जाम के डेट नहीं, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन अपन मिलेंगे, और फिर दोनों का रिजल्ट, तेरा रिजल्ट ये मेरा रिजल्ट, देखते हैं फिर कौन पास होता है। देखो लास्ट के एक महीने में जो ज़्यादा नाटक करेगा ना, जो शाणा बनेगा ना बेटा, उसका प्रॉब्लम होने ही वाला है। अपने को क्या करना है, अपने को सिंपल अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, इधर उधर की बात ही नहीं करनी है। मैं तो बोलता हूँ पढ़ाई की बात किसी से करो ही मत, अगर देखो पढ़ाई की बात खुद से की जाती है, किसी और से अगर बात करनी है तो वेब सीरीज़ की करो, फालतू मैच की करो, ये देखो वर्ल्ड कप वगैरह चालू है तो ये सब बातें करो, किसी से पॉलिटिक्स की बातें करो, आपको अगर को जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है उसकी बात करो, ही एक्ट्रेस की बात करो, फिल्म एक्ट्रेस की बात करो, जो फालतू बातें करनी है करो, लेकिन पढ़ाई की बात सिर्फ खुद से करनी है। ये सब बोलते हैं ना कि ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप स्टडीज होता है, ऐसा दुनिया में कुछ नहीं होता। जो पढ़ाई, अगर हाँ वो कॉन्सेप्चुअल क्वेरिटी चाहिए या किसी से कुछ टेक्निकल डिस्कशन करना है तो कर सकते हो, बाकी ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप पढ़ाई, ग्रुप स्टडीज जैसा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता दुनिया में। पढ़ाई करनी है तो खुद से करो, खुद से जो पढ़ाई करता है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। जो टीचर के भरोसे रहता है ना, मैं तो बोल रहा हूँ मैं टीचर हूँ, सर मेरे लेक्चर्स देखो, देखो आप अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए देख रहे हो, लेकिन अगर आप मेरे भरोसे रह जाओगे ना तो भी आप जिंदगी में रह जाओगे। किसी भी टीचर के भरोसे भी आपको नहीं रहना है, आप अपना पढ़ते रहो, आगे आगे बढ़ते रहोगे तो पास हो जाओगे, बराबर है क्या? और इसी के साथ एक है ना कंपैरिजन, इसी के रीजन से ना आपका फोकस हिल जाता है। तो आपका फोकस नहीं होना तो भी प्रॉब्लम होता है कि आपका रिवीजन नहीं होता। अभी फॉर एन एग्जाम्पल, काफ़ी बच्चे मैं देखता हूँ, काफ़ी बच्चे मुझे कंप्लेंट लेके आते हैं कि सर हम लोग एक एक 3-3, 4-4 घंटे बैठते हैं, फिर बाद में देखते तो ऐसा लगता है 2 या 3 पेज पढ़ाई हुआ है। तो क्या करें सर इस चीज़ का? प्रॉब्लम यह है कि आप फोकस नहीं हो, आप फोकस्ड ही नहीं हो, इसके लिए तो ये सब चीज़ें हो रही है। तो सर करें क्या? हमको मालूम है ये सब चीज़ हमारे साथ हो रही है, तो करें क्या? तो देखो ये कंपैरिजन है ना, कंपैरिजन तो सबसे पहले ना आपको आपको ही मेंटली स्ट्रांग होना होगा कि सर हम जो है ना किसी के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। मेरा जितना हुआ, अरे मेरा 2 चैप्टर हुआ, अरे 20 में से 2 चैप्टर हुआ, 2 चैप्टर के बेसिस पे एग्जाम देने जाऊंगा लेकिन कंपैरिजन नहीं करूंगा। ये आपका आपको अपना अपना मेंटल पावर इतना स्ट्रांग रखना पड़ेगा कि मेरा जितना पढ़ाई हुआ, अरे तेरे को क्या लेना देना, मेरा नहीं हुआ, हाँ नहीं हुआ, चल बोल, उसको नहीं हुआ ऐसा बोल देने का फेस पे, अरे मेरा तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है जा भाई तेरा बहुत हो गया ना, तेरे को 100 में से 150 मार्क आएगा बस, ठीक है 100 में से 150 मार्क आएगा तेरे को, लेकिन मेरे को 0 आएगा बस, ठीक है तू कुछ रिजल्ट के दिन देखेंगे किसको क्या आता है, बराबर है। कंपैरिजन नहीं करना है आपको, फोकस कैसे रखे, तो मैंने एक बहुत अच्छा ट्रिक देता हूँ आपको। मैंने आई यूज टू स्टडी, अब ये हमारे टीचर ने हमको बोला था कि आप जो है ना जब भी कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि दिन के एंड में दिन के स्टार्ट में नहीं, जब भी आप नया टॉपिक स्टार्ट करते हो ना, आपको सिर्फ है ना क्या करना है पता है, 4 to 5 minutes, हाँ जेन्यूनली 4 to 5 minutes, और ये 4 to 5 minutes बहुत ज़्यादा समय होता है, आप जिस दिन करोगे ना आपको पता चलेगा। 4 to 5 minutes जो है ना आपको आँख बंद करके खाली एकदम शांत रहना है, बस आपको कुछ ही नहीं सोचना है, यू हैव टू ट्राई टू बी थॉटलेस, आपको कुछ थॉटलेस होने का ट्राई करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ आँख बंद करना है और रिलैक्स करना है। आप बैठे बैठे करो ये पोजीशन में, जैसे मैं बैठा हूँ ना, बस ऐसे आग बन करके आपको बैठना है, यू हैव टू स्टे थॉटलेस। और अगर इसमें भी आप है ना 100 से लेकर 1 बैकवर्ड काउंटिंग करो, 100 से लेकर 1 या 1000 से लेकर 1 जो है आप बैकवर्ड काउंटिंग करो, इसको जो है ना 4 से 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, 5 मिनट्स मैक्सिमम। और ये 5 मिनट्स आपको लगता है अरे क्या सर ये 5-5 मिनट बार बार टाइम पास करोगे, अरे 5-5 मिनट क्या, तो आधा घंटा इंस्टाग्राम पे बैठते वो टाइम पास नहीं क्या, आधा घंटा वो तुम लोग रील बनाते उसका कोई टाइम पास नहीं क्या, अरे इस पे बैठो 5 मिनट बैठो, आपका जो है ना नेक्स्ट टॉपिक देखना, आप खाली एक दिन ये करके देखो,
एक दिन ये करके देखो आपका, सच्ची में ये 5 मिनट्स करोगे ना आप, दिन के 4 बार करोगे ना तो भी 20 मिनट होता है। 20 मिनट तो वैसे ही आप इधर उधर टाइम पास कर लेते हो, किसी से फोन पे बात कर लेते हो, तो 20 मिनट अगर आप इसका इन्वेस्टमेंट है, आपका पढ़ाई क्या शानदार होगा। आप एक बार देख के तो देखो, करके तो देखो, आपका लाइफ पूरा चेंज हो जाएगा। मैंने मेरा सी ए फाउंडेशन इंटरमीडिएट और फाइनल ये ट्रिक के बेसिस पे निकाला है, क्योंकि मैं भी आपके जैसा था, मैं बहुत मस्ती कोर बच्चा था। आई यूज टू बी वेरी मिस्चीवियस, मेरे को बहुत मस्ती होता था, सबका मस्ती करने का ये वो, मुझे बहुत बहुत नाटक था। इन शॉर्ट एकदम हिंदी भाषा में बोलूँ ना तो इसको बहुत नाटक है, तो मेरे को बहुत नाटक था। तो मेरे को है ना फोकस रहना बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, कि मतलब मैं अभी इधर बैठा हूँ, मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई करता था, मेरे बाजू में दो बैठे ना, तो मैं उसकी मस्ती कैसे कर सकता हूँ ना। मैं वो मेरे दिमाग में अपने आप आइडिया आता है कि इसकी ऐसी मस्ती करता हूँ, इसकी बुक छुपा देता हूँ, अरे कुछ भी मैं करता था वैसा सब, बट पास भी हो गए ना। तो वो कैसे हुआ, ये ट्रिक की वजह से हुआ, ये ट्रिक की वजह से हुआ। ये ट्रिक है ना भाई, ये ट्रिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब फोकस रहते हो ना, आपके बहुत सारे काम हो जाते हैं। अपना है ना मेजोरिटी प्रॉब्लम ये है ना कि अपन ध्यान दूसरी बाजू जाता है, ध्यान नहीं जाएगा ना अपने आप, बराबर है। ओके, और आपके पास कोई प्लान नहीं होता है, रोड मैप नहीं होता ना, तो भी होता है। कभी कभी क्या होता है, काफ़ी बच्चे सुबह उठते हैं, जो टॉपिक मिला वो, जो बुक सामने है वो पढ़ना चालू। अरे वैसा नहीं होता भाई, आपको नेक्स्ट 7 डेज का प्लान करना पड़ता है, 7 डेज नहीं तो एटलीस्ट 2 to 3 डेज का तो प्लान करना ही पड़ता है। ब्रॉड पिक्चर बनाना पड़ता है कि नेक्स्ट 3 दिन में मुझे डीटी खत्म करना है, तो नेक्स्ट 3 दिन में अभी भाई तेरे को डीटी खत्म करना है, तो हर एक दिन में 4-4, 5-5 टॉपिक का एवरेज आता है, इंक्लूडिंग 2-2 हेड। मतलब एक दिन आपको 2 हेड 2-3 हेड खत्म करने पड़ेंगे, दूसरे दिन 2-3 हेड खत्म करने पड़ेंगे, एक दिन TDS करना पड़ेगा, एक दिन 6 से करना पड़ेगा। ये सब बड़े बड़े टॉपिक्स है, चैप्टर 6 से करने पड़ेगा। अरे भाई कितना टाइम जाता मालूम है क्या चैप्टर 6 से में, वो एग्जम्पशन हुआ GST का, कितना बड़ा टॉपिक है, TDS कितना बड़ा टॉपिक है, याद भी रहना चाहिए पढ़ने के बाद, खाली पढ़ने के लिए थोड़ी ना पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें है, आप जरा फोकस से प्लान बनाओ, वैसे होगा नहीं पढ़ाई, ठीक है। आप प्लान बनाइए, प्लान नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं होगा। मैंने ना एक टिप्स एंड ट्रिक्स का, इनकम टैक्स का, हाउ टू स्टडी वगैरह, मैंने एक फर्स्ट सेशन था ये चैनल पर, तो आप वो जाके देखना जरूर, उसमें मैंने बताया इनकम टैक्स को कैसे प्लान करते हैं। और फिर रिसेंटली मैंने एक GST का भी सेशन लिया था, उस भी आप देख सकते हैं। सर अभी मैं टैक्स पर्सपेक्टिव बताता हूँ कि आप कम टाइम में कैसे रिवाइज करते हैं। देखो ये सारी चीज़ें करोगे ना तो आपका मेन तो है ना, कम टाइम में अपने आप ज़्यादा आपको फटाफट होने लगा, आपका स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा। ये हाउ टू ये रिड्यूस ये हाउ टू इंक्रीज स्पीड है, ये स्पीड आपका इससे फटाफट इंक्रीज हो जाएगा, और आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा है ना वो लेस हो जाएगा। आपका टाइम वेस्ट जो है इसी से एकदम 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 कम हो जाएगा, बराबर है। आपका कॉन्फिडेंस आएगा, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगा, आपका कंपेरिजन करना बंद करोगे तो आप अपने आप फोकस रहोगे, फालतू की बातें नहीं सोचोगे, अपना प्लानिंग बनाओ तो कहीं पर भी फालतू टाइम पास नहीं होगा। सर ये सब करने के बाद भी हमने, हाँ सर अभी कुछ बच्चे हो सकते हैं, सर हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं फिर भी हमारा पढ़ाई नहीं हो रहा, इसके लिए मैं आपको कुछ सजेशन दूंगा। आप है ना अगर आपने सेक्शन पढ़ के रखे, मेरे तो जनरली सारे स्टूडेंट पढ़ के रखते हैं, तो सेक्शन लिस्ट आपको है ना हर एक चैप्टर का सेक्शन लिस्ट बनाना है। फॉर एग्जांपल कैपिटल गेन्स है तो 214 जो है सर कैपिटल असेट का डेफिनेशन है, 247 ट्रांसफर क्या होता है, 47 ट्रांसफर क्या नहीं होता है, फिर 45(1), 45(1A), 45(2), ये ऐसा सब आपको सेक्शन लिस्ट बनाना है। इससे होगा क्या पता है आपको है ना, दिन के एंड में मैं ऐसा बहुत करता था, जब मैं व्हेन आई वाज स्टूडेंट तो मैं क्या करता था पता है, मैं दिन के एंड में क्या करता था, वो पूरा जो लिस्ट है ना उसको लेके बैठ जाता था। 4-5 चैप्टर ना मैं खाली ऊपर ऊपर से देखता था। वो जब आप सेक्शन लिस्ट देखते हो ना, अभी फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ सेक्शन 214 होता है कैपिटल एसेट का डेफिनेशन, तो मैं उसके बाद 1 मिनट का पॉज लेता था, फिर मैं सोचता था कैपिटल एसेट में क्या आता है, तो मेरे को पूरा अपने आप माइंड में ना पिक्चर आता था, अरे कैपिटल एसेट में तो सर ने ऐसा पढ़ा था ना, मूवेबल इमूवेबल सब आ जाता है, बट उसमें 2-3 चीज़ें नहीं आती। अरे क्या नहीं आता है, एक तो मूवेबल हाँ पर्सनल इफेक्ट नहीं आता, लेकिन उसमें ज्वेलरी वगैरह आ जाता है, ज्वेलरी है, फिर शेयर्स है, हाँ वो सब आ जाता है, वो सब जाता है, फिर रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं आता। तो इस तरीके से आपका पढ़ाई है ना आपका स्पीड बढ़ता जाएगा। इसमें ना मेन क्या पता है, मेन प्रॉब्लम किधर आता है पता है, कॉन्फिडेंस में, और एक प्रॉब्लम आता है थियोरी में कॉन्फिडेंस नहीं आता। क्यों नहीं आता पता है, हम हर बार पढ़ते हैं ना नया नया लगता है, हम जब भी नया पढ़ते हैं ना, मतलब कोई टॉपिक है मैंने एक बार रिवाइज किया है वापस पढ़ता हूँ ना तो ऐसा लगता है क्या पे तो पहली बार पढ़ रहा हूँ, ऐसा एकदम फ्रेश लगता है। क्यों फ्रेश लगता है पता है, क्योंकि आप उसका मल्टीपल रिविजन्स नहीं कर रहे हो। आप उसको है ना देखो, एक कोई चीज समझो, एक कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा ना, वो 4 से 5 दिन ब्रेन में रहता है, क्योंकि आप दिन में 15 घंटा पढ़ाई करते हो, कितनी मल्टीपल चीज़ें पढ़ते हो, ब्रेन का भी एक कैपेसिटी है, 4 से 5 दिन रहेगा फिर वो आउट हो जाएगा। तो 4 से 5 दिन में ना आपको इवनिंग में उस तरीके से प्लान करना है कि आपको इवनिंग में ना क्या करना है, आपको सेक्शन लिस्ट वगैरह रोज है ना शाम को आप जब एकदम थक गए हो तो आप चलते फिरते चक्कर मारते मारते रास्ते पे जाते जाते वो आप जो है सेक्शन लिस्ट एक बार ऊपर 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 से गुथरू आप कर सकते हो, बराबर है। तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा, जहाँ जहाँ पर आपने बनाया है नहीं बनाया है, तो आप एक बार है ना क्या कर सकते हो पता है, बर्ड आई व्यू ले सकते हो। क्या कर सकते हो आप, बर्ड आई व्यू ले सकते हो। बर्ड आई व्यू मतलब क्या होता है, समझो कोई टॉपिक है जो 10 से 15 आपने 10 से 15 पेजेस का है, तो आप 4-5 मिनट्स लो, उसके हेडिंग्स देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने लिखे हो वो देख लो, खाली देखो। सर ये क्या देखने से थोड़ी ना आता है, अरे आएगा,
आपने पढ़ा हुआ है ना, फिर एक दो दिन बाद उसको ऊपर ऊपर से गो थ्रू करोगे ना, जबरदस्त कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगा। आपको पूरा रीड करना है, जोर जोर से पढ़ के बोलना, अरे इसमें ये टॉपिक था, 2:14 में कैपिटल एसेट पढ़ा था, कैपिटल एसेट में ये चीजें थी, ये था ऐसा ऐसा, 2-3 मिनट आपको फटाफट पन्ने घुमाना है, साथ साथ में बोलना है। बोलोगे तो आएगा, बोलोगे नहीं तो नहीं आएगा। और बोलने के साथ साथ है ना आपको क्या करना है बताएं, आपको नोटबुक में लिखना है, और आपको जो है वो कैसे लिखना है, आपको नोटबुक में जो है वो लिखना है, कैसे लिखना है आपको, आपका जो थियरी बुक है ना वो बंद करना है, और फिर आपको है ना एक ट्री डायग्राम जैसा है, आपको कॉन्सेप्ट्स लिखने की, ये चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स थे। आपका सच्ची में बोल रहा हूँ, इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ना, आपको 5-6 चीज़ भी वो चैप्टर में बिना बुक बंद किए याद आ गई ना, जैसे स्कूल में करते थे वैसे करोगे। आपको अगर 4-5 चीज़ें भी याद आ गई ना बुक बंद करके, सच्ची में आपका कॉन्फिडेंस टू द नेक्स्ट लेवल चला जाएगा, सच्ची में बोल रहा हूँ। आपको इस सब चीज़ एक्टिविटी करने में कोई टाइम नहीं जाएगा, 10 से 15 मिनट जाएगा, उतनी देर का तो ये वीडियो भी है। समझ में आ रहा है कि आपको? ओके, नेक्स्ट, आपको जो है ना रिवीजन वीडियो तो ऑलवेज यस देखने ही है, उसमें तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि आप एक बार देखोगे तो आपका, क्योंकि आपने पढ़ा पहले होता है, आप कुछ चीज़ें भूल गए होते, कुछ कॉन्सेप्ट्स भूल गए होते, तो वो टीचर याद करवा देता है, तो आपको समझ में आ जाता है, बराबर है। फिर आपको है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको जो है ना वो क्या करना है पता है, हेडिंग, हेडिंग में या आपके बॉटम में जो ऊपर एकदम बुक के हेडिंग होता है, या तो एकदम नीचे, आपको क्या करना है अपनी भाषा में कुछ नोट लिख देना है। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट अभी ऐसे समझ में नहीं आया, फिर आपको बहुत मेहनत करने के बाद समझ में आया, कोई टीचर का लेक्चर देखने के बाद समझ में आया, तो आपको उसमें क्या करना है, लिख देना है कि अरे यार इसका ये मतलब होता है। हिंदी में लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बुक है, हिंदी में लिखो, गुजराती में लिखो, तुलू में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका बुक है, आपके सिवाय कोई देखेगा नहीं, और आप पास हो जाओगे तो वो भी आपके लिए ही है। आप हिंदी में लिखो, मैं तो अपनी बुक में बहुत सारी चीज़ें हिंदी में लिखता था, गुजराती में भी लिखता था, मतलब आई डोंट नो टू राइट गुजराती, बट इंग्लिश वाला गुजराती लिखता था, मतलब इंग्लिश में गुजराती लिखता था वैसा। तो क्योंकि आप जब तक नहीं लिखोगे आपको समझेगा ही नहीं ना, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस क्या था तभी वो कॉन्सेप्ट को समझते टाइम पे वो आप ही जिंदगी में समझ सकते हो। तो आपको कभी ऐसा लगता है ना तो शर्माने का नहीं, अपना बुक है, कोई क्या देखेगा, अरे देखेगा तो क्या बोलेगा, अरे क्या बोलेगा, अपना बुक है, मेरी मर्जी, मेरी बुक में मैं कुछ भी लिखूँ, हाँ कुछ गलत नहीं लिखना बस, ठीक है, ओके, हाँ अनलेस यू राइट दी करेक्ट थिंग्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ओके। सो प्रिपेयर कीवर्ड्स वेर एवर रिक्वायर्ड, आपको जो है ना कहीं कहीं पर कीवर्ड्स वगैरह या कुछ ऐसा याद रखने के लिए कोई मेमोरी टेक्निक भी आप यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो फॉरेन एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल इनकम टैक्स में एक चैप्टर होता है, चैप्टर 6 है, उसमें ना एक सीरीज होता है 80D का सीरीज, 80D, DD, DDB, ये सब है ना, ये जितने भी सेक्शन है ना खाली उसमें ही आपका डिपेंडेंट वर्ड आएगा, आप चेक कर लेना, जब मैं 6 से चैप्टर पढ़ाऊंगा तभी मैं बताऊंगा, वहीं पर सिर्फ डिपेंडेंट वर्ड आता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। जितने भी डी वाले हैं ना, जितने भी डी वाले, डी से क्या होता है डिपेंडेंट, तो ये जो पूरी सीरीज है ना वहाँ पे ही सिर्फ डिपेंडेंट आता है, बाकी कहीं पर नहीं आता, कितना सिंपल है। तो आपको एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं कि अरे डिपेंडेंट किधर देखना है किधर नहीं देखना है, अरे डी वाली सीरीज में देखना है, बाकी किधर नहीं देखना है, सिंपल है, सिंपल। फिर 80 80 डी है तो 80 डी से आप ऐसे याद कर सकते हो, डी मेडी मेडिक्लेम, ऐसा हमको हमारे टीचर ने भी पढ़ाया था जब हम पढ़ते थे तभी, तो डी मेडी ऐसा भी आप याद कर सकते हो। फिर TDS का वो सेक्शन है 194 O, तो ओ से ऑपरेटर, वैसा आप कुछ कीवर्ड्स बनाओगे तो ही आप पढ़ सकते हो, वरना आप पढ़ना डिफिकल्ट हो जाता है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, बराबर है। रेट्स के लिए भी अपन ऐसा कुछ शॉर्टकट्स बना सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने कल आपको PGBP भी पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था फर्नीचर का लाइफ कितना आप अज्यूम करोगे, 10 लाइफ 10, और इसका कितना अज्यूम करोगे इंटेंजिबल असेट्स का 25, बुक्स और कंप्यूटर्स जो है अपने पास कैसे होते हैं 40 की रेंज में होते हैं ऐसा, तो 40 40 वैसा, तो 40%, 10%, 25%, वैसी सारी एक छोटी छोटी ट्रिक्स बना के आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये सब करने के बाद है ना आपका जो है वो रिविजन, मेरे हिसाब से अगर आप ये सब चीज़ें करते हो ना तो आपका कम टाइम में बहुत ज़्यादा रिविजन होगा, और मेन तो आप फोकस रहोगे ना तो आपका जितना टाइम में जितना पढ़ के होना चाहिए ना वो तो हो ही जाएगा, बराबर है, ओके। और एट द एंड ऑफ द डे आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सर ये सब तो आप बहुत कुछ बता रहे हो, ये सब के लिए तो बहुत मेहनत लगेगी, अरे बेटा CA बनने के लिए बहुत मेहनत लगती है, इतना इजी काम नहीं है, आज बन गए तो दुनिया बोलती है कि भाई ये तो देख के पास हो गया, ऐसे ही पास हो गया, ऐसे ही पास नहीं होता, कोई भी CA ऐसे ही पास नहीं होता, उसको बहुत मेहनत लगती है, बहुत बहुत कहते हैं ना कि बहुत डिफिकल्ट टाइम से जाना पड़ता है, जो टाइम और जो फेस से आप जा रहे हो ना, आप पहले इंसान नहीं हो जो आप वो फेस से जा रहे हो, हर एक इंसान ये फेस से जाता है, और ये फेस से जाओगे तो ही आप पास हो पाओगे, बराबर है। हार्डवर्क का कोई भी और सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये जो चीज़ें बताई है वो आपको करनी पड़ेगी, एग्जम्पशन वाला चैप्टर भी पढ़ना पड़ेगा, TDS वाला चैप्टर भी पढ़ना पड़ेगा, और कैपिटल गेन्स भी पढ़ना पड़ेगा। आपको जो है कोई चैप्टर में ऑप्शन रखना नहीं है, मैंने आपको बोला था। अगर फिर भी वर्स्ट केस सिनेरियो आपको याद ही नहीं हो रहा है, कुछ सब कर लिया सर, रिविजन वीडियो देख लिया, ये वो सब 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 दुनिया में जितनी चीज़ें थी मैंने कर ली है, जो आपने नहीं की है अभी तक, अगर कर ली है तो आप जो है सिर्फ मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लेना, एज इट इज़ कभी कभी 4-6 मार्क के लिए आ जाएगा ना तो आपका लॉटरी लग जाएगा, ठीक है। यस,
चलो बाय बाय गाइस। तो मेरे हिसाब से आप इतना करोगे तो भी आपका सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर।